रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठित होने से पहले ही दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। सुजानपुर के कुठेड़ा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने 60 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राणा भी मौजूद रहे तो विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमीरपुर जिला बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठित होने से पहले ही दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। सुजानपुर के कुठेड़ा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने 60 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया है। इस मौके पर कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राणा भी मौजूद रहे तो विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता दुखी है और आए दिन प्रदेश में लोग बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के हित के लिए काम किया है और उसी को देखते हुए लोग कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी यहां कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे लोग आज लगभग 60 के करीब लोग जो हैं वो आज कांग्रेस में शामिल हुए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और साथ में जितने नौजवान महिलाएं और पूर्व सैनिक ज्वाइन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, उनके कहने से काम भी किए जाएंगे। और हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं, हमारा मकसद तो सेवा करना। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा सुजानपुर जानता है कि हमने कभी कोई पार्टी की राजनीति नहीं करी, कोई जाति की नहीं करी, धर्म की नहीं की, मजहब नहीं की। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ता हूँ, परंतु मेरे पास MLA के तौर पर कोई भी अगर वो मैंने या काम मदद के लिए आता है तो हम उसकी दिल खोल के मदद करते हैं। और हमारी हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है और कि ईश्वर का आशीर्वाद और यहाँ की जनता का आशीर्वाद जो है वो बना रहे और हमें इतना आशीर्वाद दें कि हम सेवादार की तरह यहाँ सेवा करते रहें, ऐसी मैं सोच सकता हूँ। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेंद्र राणा के सुपुत्र एवं कांग्रेस सोशल सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार आम जनमानस से जुड़े मुद्दों से लोगों को ध्यान हटाने का काम कर रही है। अभिषेक राणा ने बीजेपी के लोगों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सुजानपुर के अंदर 5 साल के अंदर राजेंद्र राणा ने 200 करोड़ के कार्य करवाए हैं, लेकिन बीजेपी ने कितने करोड़ रुपए का काम करवाया है। हम रोजगार की बात ना करें, इसलिए ये मुद्दे छेड़े जा रहे हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े स्तर पे एक मुहिम चला रही है कि आप जैसे लोगों का ध्यान कैसे दूसरी तरफ लेकर जाया जाए, असली मुद्दों से भटकाया जाए, लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे बट जाएं और जो असली मुद्दे हैं वो पर्दे के पीछे गायब हो जाएं और उनसे कोई सवाल ना पूछे। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से युवा साथी हैं, आप लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि असली मुद्दों से नहीं भटकना है। और अब इन झारखंड से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र से हुई, दिल्ली में भी लग जाएगा पता आने वाले चुनावों में। और मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाले 3 साल के बाद प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज मैं ओपन चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करता हूं, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे वो नेता है। सुजानपुर के अंदर 5 साल के अंदर अगर कांग्रेस सरकार के समय राणा जी ने 200 करोड़ से ज्यादा के कार्य इस विधानसभा के अंदर कराए, तो आप खुले मंच पे डिबेट करके ये बताएं, चाहे कुठेड़ा की जनता है चाहे कहीं और की जनता है, कि आपने 2 साल के अंदर कितने करोड़ रुपए जो हैं वो सुजानपुर के अंदर लेकर आए और सुजानपुर के लोगों को फायदा पहुंचाया। चर्चा तो ये कर ही गई।